आपका? मेरा नाम गुरशरण कौर है, मैं फरीदकोट जिले से हूँ, फरीदकोट जिले की रेसलिंग की खिलाड़ी हूँ। और मैं 2016 में रेसलिंग स्टार्ट की थी मैंने, और 2016 में मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो गांव में किसी को रेसलिंग के बारे कुछ नहीं पता था, तो जैसे ही मैंने गांव घर पे बात की मैंने रेसलिंग करनी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रेसलिंग नहीं करोगे आप, क्योंकि उनको लगा था कि रेसलिंग कोई गलत रास्ता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था। हमारे गाँव का रहना बहना सब सिंपल था और बहुत पछड़ा हुआ भी था। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने घर पे बोला कि नहीं, मैंने जिद की मैंने रेसलिंग करनी है, फिर वो बोले कि नहीं, मैं नानका परिवार में रहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि, मामा जी ने बोला कि नहीं, मैं फिर उनसे चोरी ही ग्राउंड में जाने लगी, और बाद में वहाँ पे घर के कपड़े डाल कर जाती थी साइकिल पे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके वापस आ जाती थी उनके आने से पहले पहले। जब एक दिन उनको पता लगा कि ये ग्राउंड जाती है, तो उन्होंने मुझे बहुत झड़का भी और पीटा, बोला कि अपने माता पिता से परमिशन लेकर आ, जेकर अगर वो परमिशन देगी तो तू रेसलिंग कर सकती है। फिर मैंने अपने माता पिता से परमिशन ली, और उन्होंने जब परमिशन दी मुझे तो मैंने ग्राउंड स्टार्ट कर दिया। तो फिर वहाँ पे हमारे कोच जो कि सरदार खुशविंदर सिंह जी है, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और बहुत मेहनत करवाते हैं वो। उन्होंने हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया कि आप देश के लिए मेडल लेकर आ सकते हो, आप बिना डाइट के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मेरी कोई इतनी डाइट नहीं है, डाइट लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की लोड़ होती है। पर उन्होंने कभी हमें पैसे का महसूस नहीं होने दिया कि आप गरीब परिवार से हो, आप रेसलिंग नहीं कर सकते, और उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। पर वो बोले कि आप ग्राउंड में आना पड़ेगा आपको, अगर आप ने हाई लेवल के मेडल लेने हैं, तो मैंने ग्राउंड में जाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे जाकर हमारा मिट्टी का खाड़ा है वहाँ पे कई मारते, और मैट करते। फिर 2017 में मेरा पहली नेशनल लगी वहाँ पे, और जब मेरी नेशनल लगी तो मेरा वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल आया, मैंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से हासिल किया। और चलते चलते ऐसे ही 2020 में मेरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिलेक्शन हुई, तो वहाँ से उससे पहले कंपटीशन से पहले एक इंटरव्यू हुआ था हमारे सेंटर में, तो वो बोले, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि आप क्या, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि मैं मेडल लेकर आऊँगी, मैंने इंटरव्यू में बोल दिया, और वैसे ही हुआ। फिर मेरा वहाँ से भी मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आया। अब तक मेरी 10 नेशनल लग चुकी है, उसमें से 4 मेडल है मेरे पास, 2 ब्रॉन्ज है और 2 सिल्वर है। और फिर 2022 में मुझे चोट लग गई थी, एक कंपटीशन के दौरान घुटने पे चोट लगी, और घुटना मैंने आकर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर बोले कि आपकी MRI होगी, MRI में पता चलेगा। MRI करवाने के बाद पता चला कि ये कंप्लीट ACL टीयर है, और विद मेनिस्कस भी फटा हुआ है, कि आपको ऑपरेट की ज़रूरत है, आप 1.5 लाख रुपया लेकर आ जाना हमारे पास। तो मैंने कहा कि भी इतना घर पे बोलूँगी तो घर वाले तो बोलेंगे कि रेसलिंग छोड़ दे, घर पे बैठ जा, तो मैंने ये बात घर पे नहीं बोली किसी को भी। और ऐसे ही मैंने अपने आप पर विश्वास किया और भगवान पर विश्वास रखा, और दोबारा मैं करती गई। 1.5 साल पूरा सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, सिवाय मेरे 2-4 दोस्त थे मेरे जो साथ में थे, उनकी बदौलत और मेरे कोच साहब की बदौलत, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया मुझे, और मुझे कहा कि आप कर सकते हो, आप दोबारा बैकअप करो। मैंने नी की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर दी, अपना पूरा फोकस अपने घुटने पर देना शुरू कर दिया। जब घुटने पर फोकस करती गई तो धीरे धीरे और परमात्मा की आशीर्वाद से ये धीरे धीरे ठीक होता जाया। और 2023 में ये मेरा पहला कंपटीशन है नी इंजरी के बाद, जब मैं दोबारा मैट पे वापस आई तो मेरी स्टेट में सिलेक्शन हुई, और आगे भी जाके नेशनल में मेरा मेडल आया। ये मेरी पूरी 5 साल की कमाई बोल सकते हैं हम, 5 साल में मैंने जो भी मेडल हासिल किए हैं वो सभी आज जिनका मूल्य पहने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि मेरी मेहनत को आज फल लगने जा रहा है, और मेरा यही जुनून है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ,
खेलूं और मेरे पीछे इंडिया लिखा हो और एक दिन ओलंपिक में जाऊं और वहां पे बोले कि ये इस गांव की लड़की है, इस परिवार से इसका ताल्लुक है। और मेरी ये भी एक इच्छा है कि मैं अपने सेंटर का नाम ओलंपिक में बुलवाऊँ। वो बोले कि ये बाबा शेख फरीद जी रेसलिंग अकेडमी की एक लड़की है जो ओलंपिक में आ रखी है और मेरे कोच साहब का, और अम्मा है, मैं अपने सेंटर की एक वो रेसलर बनूं जो ओलंपिक में नाम करे। अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, क्या आप तक पढ़ाई कर चुके हैं? पढ़ाई में अब अगर बात की जाए तो पढ़ाई का मुझे शौक है, मैं साथ साथ में अपनी एजुकेशन भी बढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे ये शौक है कि मैं एक PhD करूँ, मैं डॉक्टर लगाना चाहती हूँ अपने नेम के आगे। तो मैंने पहले प्लस टू के बाद मैं BA की। इसका सारा जो सहरा जाता है वो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे साथ साथ में गाइड किया, जिनकी बदौलत मैं ये सभी डिग्रियाँ कर चुकी हूँ। BA के बाद मैंने BPED की, BPED के बाद अब मैं MPED फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखी, और MPED के बाद अगर नौकरी का हो गया तो बाद में PhD भी मैं बहुत जरूर कोशिश करांगे कि मैं PhD भी करके रहूं। आप किसी को अपना आइडल मानती हैं, किसी प्लेयर को या किसी? हाँ, आइडल ऐसे हुआ था जब 2016 में मैंने स्टार्ट की थी रेसलिंग, तो तब साक्षी मलिक जी जिनका ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था और फर्स्ट वुमेन बनी थी, तो तब मेरे अंदर हुआ था कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने भी फिर अपने अंदर वो जुनून लेकर कभी मौसम का नहीं देखा, बारिश में और धुंध में जाना ही होता था, खाड़े में जाना, प्रैक्टिस करनी, तो मुझे ऐसे था भी मैं इनके जैसे बनूं, मेरे भी इंडिया लिखा हो। मुझे लगता है उनको बहुत इज्जत मिल रही है, मुझे ऐसा था कि मुझे भी ऐसे हो, मैं भी ऐसे बनूं। आपने अभी जो अभी आपने हाल ही में जो उपलब्धि हासिल की है, पंजाब में कौन सा स्थान था और इंडिया में कौन सा स्थान था? पंजाब में हमारे पहला ट्रायल हुए थे ये जाने के लिए, पहला वहाँ पे ट्रायल होते हैं, तो ट्रायलों में मैंने 53 में इंजरी के बाद क्या हुआ था कि मेरा वेट बढ़ गया था और मेरा वेट 62 के पास चला गया था। फिर मैंने सोचा कि वेट तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन ओलंपिक वेट कैटेगरी होने के लिए हम सिर्फ 6 वेट ही जाते हैं, इसमें 6 वेटों में से फिर मैंने सोचा कि मैं 53 में पहले खेलती थी इंजरी के पहले, तो मैंने सोचा कि इसमें ही अब वापसी करूँगी, 53 में वापस जाऊँगी। तो 53 में मैंने ट्रायल दिए, पहले वेट कम किया, 50-60 से कम लेकर आई अपना, वहाँ पे 3 किलो की छोट थी हमें, 56 kg मैंने वहाँ पे वेट दिखाया अपना, और वहाँ से स्टेट के हुई जब तो सिलेक्शन हुई मेरी और मैं नेशनल में गई। नेशनल में मैंने 53 kg में सिल्वर मेडल हासिल किया, वो इंडिया में आया और पंजाब में मेरा पहला स्थान रहा था। तो अभी आपका इससे आगे क्या सपना है? इससे आगे तो मेरा यही सपना है कि मेरे पीछे इंडिया लिखा हो और मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि मुझे जब से मैंने शुरू की है तब से मेरा यही सपना था एक कि मैं ओलंपिक में जाऊं, मैं इंडिया लिखे रहा। आपके गांव में कोई है पहले भी कोई ऐसा है आपके जैसा कोई पहलवानी कर रहा है या पहली लड़की है आपका? नहीं, मैं मेरे गाँव की अकेली लड़की हूँ जो पहलवानी करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ अकेली शाम को, रात को भी आती हूँ, मैं अकेली होती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा ये कि मेरे साथ कौन है या कौन नहीं है, बस मैंने सेंटर पे जाना होता था, सुबह 5 बजे का टाइम है गर्मियों का, तो 4:30 बजे मैं जहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा जो सेंटर पड़ता है वहाँ पर जाती हूँ साइकिल पर, और सर्दियों का 5:30 का टाइम है, तो मैं 5:15 ऐसे निकल जाती हूँ घर से और फिर अपनी प्रैक्टिस करके वापस आ जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं होता कि मेरे साथ है या नहीं है।